हेलो व्यूअर्स, आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर हम मोटो की तरफ से आने वाले न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन मोटो एस 30 के बारे में। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 28,000 रुपए के प्राइस में देखने मिल जाता है। वहीं तो आज इसको हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग A52s से। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये भी आपको 30,000 रुपए की प्राइसिंग पर देखने को मिलता है। यानी कि ये दोनों प्राइस को कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पर 2,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर कि 2,000 रुपए हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर 2,000 रुपए बचा के अपना मोटो एस 30 के साथ जाना चाहिए। आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले की, तो आपको मोटो एस 30 के अंदर मिलता है यहाँ पर 6.6 इंच का फुल एच डी प्लस पी ओलेड डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रिजरेटेड एंड 360 हर्ट्ज टच स्क्रीन रेट के साथ देखो मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। एंड अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये तो 10 बिट सपोर्टेड है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है। एंड आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पर ग्लास 3 जो है प्रोडक्शन के साथ आपको देखो मिल जाता है, यानी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड वहीं अगर कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर सैमसंग के A52s से, तो उसमें मिलता है कुछ 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखो मिल जाता है। एंड ये यहाँ पर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखो मिलता है। एंड साथ ही यहाँ पर 240 हर्ट्ज का आपको टच स्क्रीन रेट देखो मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं उसमें यहाँ पर हम प्रोडक्शन की, तो आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर एसडीआर 10 प्लस का वगैरह सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों डिस्प्ले को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो डिस्प्ले के बारे में जरूर से बोलूँगा कि यहाँ जो मोटो के अंदर जो डिस्प्ले को यूज़ किया गया है वो फॉर बेटर है एमोलेड से, यानी कि एक स्टेप यहाँ पर ऊपर यहाँ पर निकल के आता है जो पीओलेड डिस्प्ले उसके, क्योंकि ये काफी थिन होता है स्मार्टफोन, काफी थिन हो जाता है। एंड जो कलर्स वगैरह वो काफी ऊपर के आते हैं। साथ ही ये 10 बिट डिस्प्ले है, हालांकि कंटेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पर जो भी आप देखेंगे यहाँ पर वो 10 बिट में आपको देखने को मिलने वाला है। कंटेंट वगैरह होगा तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कलर्स मतलब 1 बिलियन कलर्स से आपको देखो मिलने वाले। साथ ही एसडीआर 10 प्लस सपोर्ट मिल जाता है एंड 360 हर्ट्ज का टच स्क्रीन रेट मिलता है आपको, जो कि गेमिंग में काफ़ी आपकी हेल्प यहां पर करने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ डिस्प्ले तो मतलब सैमसंग का भी काफ़ी अच्छा है एंड सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड मिल जाता है एंड वहाँ पर आपको पी ओलेड की एक स्टेप और ऊपर यहाँ पर हो जाता है पी ओलेड डिस्प्ले। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपके लिए जो अगर आप गेमिंग यूजर वगैरह हैं तो आपके लिए 360 हर्ट्ज का टच स्क्रीन रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मतलब आपकी गेमिंग में काफ़ी मदद करता है। तो मैं बोलूँगा हाँ डिस्प्ले के मामले में, क्वालिटी के मामले में जो है एंड टच स्क्रीन रेट के मामले में ओवरऑल यहाँ पर मोटो का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा बेटर निकल के आता है। बाकी हाँ प्रोडक्शन जरूर से बोलूँगा कि प्रोडक्शन के मामले में सैमसंग थोड़ा बेटर, क्योंकि आपको ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है। एंड वैसे बात करें परफॉर्मेंस की, तो मोटो एस 30 के अंदर मिलता है आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला एकदम लेटेस्ट, यानी कि स्नैपड्रैगन 778G प्लस चिपसेट, जो कि यहाँ पर 778G का सक्सेसर है। एंड साथ ही ये जो है 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंड वहीं कंपेयर करते हैं सैमसंग A52s, तो यहाँ पर भी आपको जो है स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट मिल जाता है। एंड ये मतलब यहाँ पर 778G मिलता है, यानी कि एक प्रीवियस वर्जन, एंड वहाँ पर आपको 778G प्लस मिल जाता है। फिलहाल ये अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इनहेंस, यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड थोड़ी सी इनहेंस की गई है यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन जो है 778G प्लस के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। बाकी मैं इन दोनों ही चिपसेट का दोस्तों एक स्पेसिफिक यहां पर वीडियो बना चुका हूं, यानी कि कंपैरिजन कर चुका हूं इन दोनों चिपसेट का, तो आप ये वाला वीडियो जरूर से जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि दोनों प्रोसेसर में से कौन कितना पावरफुल है, कौन कितने फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। जरूर से आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को कंसिडर करने वाले हो। बात करते हैं तो वहां पर जो गेमिंग वगैरह है वो आप यहां पर काफी आराम से कर पाओगे, डेली के टास्क आपके यहां पर काफी आराम से हो जाएंगे। एंड 30,000 रुपए के अंदर बोलूंगा हाँ ये वैल्यू फॉर मनी चिपसेट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं वाले मतलब कमी होने वाली है। एंड ये स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर निकाल के देता है। भाई एंट्रोडी स्कोर की बात करें तो आपको 5.5 लाख तक का एंट्रोडी स्कोर देखने लिए मिल जाता है। एंड हाँ 778G प्लस के थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने मिलता है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि हाँ दोनों चिपसेट काफ़ी पावरफुल हैं। एंड वैसे बात करें आपने कैमरा सेटअप की, तो मोटो एस 30 के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 50 MP का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है एंड 2 MP का आपको यहाँ पर जो है डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पर 32 MP का यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा दिया गया है। एंड वहीं कंपेयर करते हैं उसको यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s से, तो इसके अंदर मिलता है आपको क्वाड रियर कैमरा, जिसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 12 MP का आपको अल्ट्रा वाइड दिया गया है, 5 MP का आपको यहाँ पर जो है डेप्थ कैमरा दिया गया है एंड 5 MP आपको यहाँ पर जो है मैक्रो कैमरा यहाँ पर दिया गया है। तो अगर उसको यहाँ पर हम दोनों ही कैमरों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं एंड जो मैंने इमेज टेस्ट वगैरह यहाँ पर देखे हुए हैं,
तो इस मामले में जरूर से बोला कि जो मतलब आपका जो रियर कैमरा है मेन कैमरा यानी कि परफॉर्म करने वाला है, वो दोनों के अंदर आपको वहाँ पर इमेज क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। एंड जिस प्राइस के हिसाब से फोन आता है तो मतलब ऑटोमेशन दोनों के अंदर मेन कैमरे के अंदर अच्छी मिल जाती है। एंड वेस्ट तो बात करते हैं अगर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की, थोड़ी सी बेटर फोटो आपको देखो मिल जाती है मोटो के अंदर यहाँ पर जो है। एंड वहीं अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसके हम मैक्रो एंड डेप्थ जो इमेज होती है वो आपको यहाँ पर जो है जो आपका सैमसंग इसके अंदर दोस्तों बेटर मिलने वाले दोस्तों। यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, ये अच्छी बात होती है। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा दोस्तों मोटो का मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, मैंने जो यहाँ पर सैम्पल पिक्चर्स देखे हुए यहाँ पर हैं तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा। तो इस मामले यहाँ पर जो है मुझे सैमसंग के ऑटोमेशन यहाँ पर फ्रंट कैमरे वाले में ज़्यादा बेटर लगी है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यही दोस्तों यहाँ पर बोलूँगा कि अगर हम कैमरे वगैरह को ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो इस मामले में यहाँ पर मैं सैमसंग को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑटोमेशन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है एंड सैमसंग यहाँ पर फोकस ही करता है दोस्तों डिस्प्ले कैमरा बैटरी पर ही, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी मैटर रहती है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर कैमरे वगैरह की स्मार्टफोन जाता तो मैं सैमसंग को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा मोटो के कंपेरिजन में। एंड वैसे तो अगर यहाँ पर बैटरी की तो मोटो S30 के अंदर मिलती है आपको 4020 mAh की बैटरी एंड 33 W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग F2S की दोस्तों, इसके अंदर मिलती है आपको यहाँ पर जो है 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है आपको एंड साथ में आपको 25 W का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 15 W का चार्जर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर दोनों की हम यहाँ पर बैटरी वगैरह को देखें तो इस मामले में यहाँ पर क्या कि थोड़ा सा जो मोटो S30 थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी स्लिम रहता है, इस वजह से बैटरी का साइज भी यहाँ पर कम करना पड़ता है, जो कि आपको 4020 mAh की मिल जाती है। तो बैटरी जरूर से बोलो यहाँ पर कम मिलती है आपको है मोटो के कंपेरिजन में, लेकिन इतनी यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रोसेसर जो यहाँ पर यूज़ किए गए वो काफ़ी पावरफुल है, तो आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। लेकिन हाँ जो आपको मतलब क्योंकि दोनों के अंदर सेम आपको फेब्रिकेशन मिल जाती है 6 नंबर दोनों जी फिट बेस्ट है एंड सेम ही मतलब एक तरह बोलूँगा तो जो बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है वो आपको सैमसंग के अंदर दिखने मिल जाएगा। हाँ चार्जिंग की बात करें तो 33 W की यहाँ पर मिल जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। फोन अगर जल्दी से खत्म होगा तो जल्दी से चार्ज भी करके दे देगा। ओवरऑल अगर दोनों चीज़ को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इस मामले में बोलूँगा कि हाँ एक चीज़ यहाँ पर लेवल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको चार्जिंग फास्ट मिलती है, यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ी बेटर मिल जाती है। तो आप पर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहोगे। बाकी सैमसंग के अंदर आपको 25 W का सपोर्ट मिलता है, 15 W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, तो इसके साथ क्या आपको 25 W का जो चार्जर अगर बाइक करते हो तो वो आपको 1100 रुपये के अराउंड यहाँ पर देखो मिलने वाला, जो कि आप अमेजोन से बाइक कर सकते हो। तो बैटरी के लिए मैं आपके छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या चाहिए आपके हिसाब से जो भी देख लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स की, तो आपको जो है मोटो S30 के अंदर मिलता है यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक यहाँ पर मिल जाता है। वहीं कंपेयर करते हैं सैमसंग F2S से तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक यहाँ पर भी मिल जाता है। तो इस मामले में यहाँ पर दोनों ही फोन सेम परफॉर्म करते हैं। एंड अगर बात करते हैं तो फोन की सिक्योरिटी को लेकर, तो मोटो S30 के अंदर आपको यहाँ पर जो है थिंक शील्ड की सिक्योरिटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एंड वहीं कंपेयर करते हैं यहाँ पर हम सैमसंग के, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको नॉक्स की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है हार्डवेयर बेस्ड, जो कि दोनों के अंदर हार्डवेयर सिक्योरिटी मिलती है। तो सिक्योरिटीज तो मैं बोलूंगा अपने अपनी जगह पे दोनों ही तो काफी अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती हैं। बात करते हैं इसके अलावा अगर यहाँ पर हम OS की, तो आपको मोटो S30 जो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ मिल जाता है एंड साथ ही यहाँ पर जो है आपको स्टॉक UI का एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है सैमसंग F2S की, तो इसके अंदर ये जो आता है एंड्रॉइड 11 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स एंड साथ ही तो ये यहाँ पर UI 3.1 के साथ आपको देखो मिल जाता है। वहीं इसके अलावा तो बात करते हैं यहाँ पर हम अपडेट्स वगैरह की, आपको एंड्रॉइड के अपडेट्स कितने मिलने, क्योंकि आप 30,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो तो फोन आपका कितने साल तक नया रहने वाला है, कितने अपडेट्स मिलेंगे उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर मोटो S30 की, तो उसके अंदर आपको जो यहाँ पर 2 साल का OS अपडेट मिल जाएगा एंड 3 साल का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाता है, यानी कि ये 12 के साथ आता है 13 एंड 14 तक का आपको अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग A52S से, दोस्तों ये जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 साल का अपडेट प्रोवाइड करता है एंड साथ ही 4 साल का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर प्रोवाइड करता है। वैसे ये 11 के साथ आता है आपको 12, 13, 14 तक का अपडेट यहाँ पर भी मिलने वाला है। एंड OS अपडेट की बात करें दोनों ही तो ST सेम है, ये 11 के साथ आता है तब आपको यहां पर 14 तक मिलता है एंड वो 12 के साथ आपको तो 14 तक मिलता है, तो ये बोलूंगा मैं यहाँ पर सिमिलर। लेकिन हाँ सिक्योरिटी फीचर्स के मामले में यहाँ पर जो है सैमसंग थोड़ा सा बेटर है, यहाँ पर 4 साल का अपडेट प्रोवाइड आपको कर रहा है एंड यहाँ पर आपको 3 साल का मिल जाता है, तो मैं ये बोलूंगा हाँ थोड़ा सा बेटर है यहाँ पर सैमसंग। एंड वही बात करें यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन की, तो मोटो S30 के अंदर आपको यहाँ पर 2 RAM मिलते हैं, 6 GB RAM, 8 GB RAM यहाँ पर LPDDR5 RAM मिल जाती है। एंड वहीं अगर बात करें स्टोरेज की, तो उसके अंदर आपको सिंगल स्टोरेज मिलता है 128 GB का, यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। कंपेयर करते हैं F2S से, दोस्तों यहाँ पर
भी आपको सेम मिलता है 6GB रैम एंड 8GB रैम ऑप्शन। यहाँ पर LPDDR4S रैम मिलती है एंड वही बात करते हैं स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको सिंगल मिलती है 128GB की स्टोरेज एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो वो आपको यहाँ पर UFS 2.1 स्टोरेज यहाँ पर देखने मिल जाती है। तो अगर हम दोनों को उस पर कंपेयर करते हैं तो इस मामले में जरूर से बोलूंगा यार मोटो S30 काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि जो रैम यहाँ पर टाइप यूज किया गया वो एकदम लेटेस्ट वाला यूज किया गया है, जो कि काफी परफॉर्मेंस आपको निकाल के यहाँ पर देगा। जो मल्टीटास्किंग वगैरह वो आप यहाँ पर काफी आराम से कर पाओगे एंड स्टोरेज वगैरह आपको जो मिल जाती है ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है। UFS 3.1 देखो मिलती है जो कि मतलब आप काफी आराम से ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम जो है रीराइटिंग जो स्पीड है काफी बेटर देखो मिलने वाली है। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन मतलब परफॉर्मेंस आपके मामले में बोलूंगा कि हाँ एकदम मतलब एक नंबर पे आता है गैजेट की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मोटो S30 के अंदर देखो मिलने वाली है। चाहे दोस्तों बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर हम ड्राइव एंड स्टोरेज को लेकर यहाँ पर मतलब प्रोसेसर को लेकर बात कर लेते हैं तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन यहाँ पर काफी गैजेट पे यूज किया गया है। लेकिन हाँ सैमसंग के अंदर थोड़ा सा आपको लोअर देखो मिलता है UFS 2.1 जो कि 3.1 दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट है। वही बात करें यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी फीचर्स की तो मोटो S30 जो एक 5G स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको टोटल 13 5G बैंड का सपोर्ट देखो मिल जाता है। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, साथ ही NFC आपको देखो मिल जाता है एंड वही वाईफाई 6E का सपोर्ट आपको देखो मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाले में यहाँ पर काफी अच्छा काम किया गया है एंड वही कंपेयर कर लेते हैं उसको यहाँ पर हम सैमसंग A52s से, तो यहाँ ये भी जो है एक 5G स्मार्टफोन है एंड यहाँ पर आपको टोटल साइज से 12 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, 12 या फिर 11 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर हम ब्लूटूथ की तो ब्लूटूथ आपको 5.2 वर्जन यहाँ पर देखो मिलता है एंड साथ ही आपको जो वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई आपको देखो मिल जाता है, साथ ही इसके अलावा आपको जो है NFC का सपोर्ट यहाँ पर देखो मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाले में बोलूंगा हाँ दोनों जो स्मार्टफोन है वहाँ पर अच्छे निकल के आते हैं, दोनों ही 5G है एंड बैंड्स वगैरह भी दोनों में काफी हद तक यहाँ पर अच्छे देखो मिल जाते हैं। दोनों के अंदर 13 एंड उसके अंदर 12 मिल जाते हैं तो बैंड्स की कोई कमी नहीं की दोनों के अंदर, साथ ही ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह देखो मिल जाता है। लेकिन हाँ वाईफाई 6E का सपोर्ट मिलता है आपको जो है मोटो S30 के, तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है, बाकी NFC वगैरह दोनों के अंदर मिल जाता है। तो आपको कितना यूज है तो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड वही बात करेंगे अगर आप स्पीकर्स की तो मोटो S30 के अंदर आपको यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ देखो मिल जाता है। वही बात करते हैं सैमसंग A52s की तो यहाँ पर भी आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं अगर यहाँ पर इसके 4G+ कैरियर एग्रीगेशन की तो वो आपको यहाँ पर दोनों के अंदर मिल जाता है, यानी कि कनेक्टिविटी वगैरह आपके यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही बात करते हैं फुल HD में कंटेंट एंजॉय करने की तो आपको दोनों ही फोन के अंदर वाइड बैंड 11 का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जो है यहाँ पर फुल HD में कंटेंट को एंजॉय कर पाओगे, यानी कि वाइड बैंड 11 का सपोर्ट दोनों के अंदर मिल जाता है। तो फाइनली तो बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग को लेकर तो मोटो S30 का जो बेस वेरिएंट आता है ये आता है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। इसकी जो प्राइसिंग निकल के आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पर 27,999 रुपये, यानी कि 28,000 रुपये के पैसे में देखो मिल जाता है, आप इसे फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। एंड वही बात करते हैं सैमसंग A52s दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो मतलब बेस वेरिएंट दोस्तों यहाँ पर 6GB वाला आता है, लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर लेना नहीं, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो 6 एंड 8GB की तो वो एकदम सिमिलर ही देखो मिल जाती। तो हाँ ये बोलो कि जो 8GB वाला वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो अगर उसकी प्राइसिंग की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको मिलता है यहाँ पर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, इसकी जो प्राइसिंग है वो 30,000 रुपये आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर फाइनली हम अपने ओपिनियन की मेरे के ओपिनियन है दोनों स्मार्टफोन को लेकर, आइए तो वो भी आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग को यहाँ पर देखते हैं तो यानी कि 2,000 रुपये का डिफरेंस हमें देखो मिलता है। मोटो का जो स्मार्टफोन है मोटो S30 2,000 रुपये कम प्राइस पर मिल जाता है एंड यहाँ पर वारंट भी आपको वही 6GB वाला मिलता है, लेकिन आप 8GB वाला अगर वारंट यहाँ पर लेने जाओगे तो वो आपको HD सेम प्राइस पर मिलेगा, यानी कि 30,000 रुपये उसके लिए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे जो कि मोटो S30 का जो 8GB वाला वारंट है उसकी प्राइसिंग है। इस मामले में यहाँ पर दोनों जो स्मार्टफोन एकदम सेम आएंगे जब आप 8GB पर जाओगे, लेकिन जब आप 6GB रैम वारंट लोगे तो वहां पर आपको डिफरेंस देखो मिलेगा अच्छा खासा, 2,000 रुपये आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इसमें बोलो कि हाँ अगर आप 2,000 रुपये अपने सेव करना चाहते हो तो आप सीधी सी बात है मोटो S30 की तरफ यहां पर जा सकते हो, जो कि डिस्प्ले काफी अच्छा देखो मिलता है, साथ ही यहां पर आपको जो है बैटरी में फास्ट चार्जिंग जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है, एंड्रॉइड 12 पे देखो मिल जाता है एंड इस प्राइस रेंज जो कम प्राइस में आपको यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है एंड साथ ही स्टॉक UI वाला एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखो मिल जाता है। तो ये सारी चीजें चाहिए अगर आपको एंड 6GB वेरिएंट से आप काम चला सकते हो तो आप यहां पर 2,000 रुपये सेव करके मोटो S30 के साथ जा सकते हो एंड बाकी परफॉर्मेंस वगैरह आपको दोनों के अंदर दोस्तों यहां पर सिम को मिल जाती है। लेकिन वही दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी यहां पर क्या है कि कैमरा है,
ठीक है ना। अगर कैमरे को लेकर आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो यहां पर आपका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर मैं बोलूंगा कि आप सैमसंग A52s की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसको फ्रंट जो रियर कैमरा है उसमें तो यहां पर दोनों जो स्मार्टफोन है वो मतलब ऐसी यहां पर सेम परफॉर्म करने वाले हैं, एंड जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा मोटो अच्छे से यहां पर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वहीं इस तो अगर आप जो है मतलब ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस देखा चाहे फ्रंट की बात करें चाहे बात करें रियर की, तो उसके हिसाब से देखा तो यहां पर सैमसंग A52s थोड़ा सा बेटर है। क्योंकि अगर कैमरे के बारे में ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यहां पर सैमसंग थोड़ा सा यहां पर बेटर ही निकल गया था। तो मैं कैमरे के लिए मोटो को इतना ज्यादा हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आप यहां पर सैमसंग A52s के साथ जाइए। बाकी डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है यहां पर है, बैटरी भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की सॉरी 4500 mAh की देखो मिल जाती है, एंड वहाँ पर आपको 4020 mAh की देखो मिल जाती है। साथ ही अपडेट्स वगैरह की बात करें, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो आपको सारे सारे यहाँ मिल जाते हैं, एंड OS अपडेट भी आपको दोनों के अंदर सेम मिल जाते हैं। तो मेन आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको 2000 rupees सेव करने हैं। स्टॉक UI का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर चाहिए, कैमरा उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी नहीं है, तब आप मोटो S30 के साथ जा सकते हैं। एक स्टॉक UI वाला एक्सपीरियंस ये, नहीं तो आपके यहाँ पर जो है सैमसंग A52s के साथ जा सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती है, चाहे हम डिस्प्ले की बात करें, चाहे हम बात करें कैमरे की, चाहे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की, चाहे हम बात करें उसके यहाँ पर बैटरी की। बैटरी में हाँ जरूर से बोलो कि आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है वो आपको 50 watt की मिलती है, एंड 25 watt का सपोर्ट के साथ आता है। तो इस मामले में जरूर से बोलूँगा हाँ केवल एक कॉन्स मिलता है इसके अंदर आपको सैमसंग A52s के अंदर, तो वो चीज़ आपको देखने को बनती है। बाकी मोटो S30 के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर LPDDR5 एंड UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग वगैरह है वो आप काफ़ी आराम से कर पाओगे तो S30 के अंदर, एंड जो परफॉर्मेंस रहेगी वो थोड़ी सी बेटर ही मिलने वाली है A52s से, तो इसका जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी तो एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप एक गेमिंग यूजर हैं तो मेरे ख्याल से मोटो S30 आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। लेकिन आप एक गेमिंग यूजर नहीं है तो मेरे ख्याल से सैमसंग A52s आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे मेरे यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन, फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गए होंगे। एंड साथ ही दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा एंड आपकी पूरी हेल्प करूंगा वहाँ पर। तो फिलहाल के लिए आप आ सकते हो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, ट्विटर हैंडल दिया है फॉलो कर लीजिए। एंड फिलहाल वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एंड और किसी के अगर आपको कंपेरिजन देखना है तो कमेंट में जरूर बताएगा, एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।